ओनरशिप रिव्यू दिखाने वाला हूँ। तो उस चीज़ के लिए तो यार मोहित भाई की ज़रूरत पड़नी है, तो बुलाते हैं मोहित भाई को एंड कहते हैं। और अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा तो आज वही बताने वाले हैं। क्या हाल है मोहित भाई? बढ़िया बढ़िया। चलो आप जरक ना, इन्होंने आपका चैनल अभी तक नहीं देखा, इन्हें क्या हो जरक आप खुद आपका चैनल नहीं देखा इन्होंने अभी तक? तो गाइस चैनल को देखो यार, डिस्क्रिप्शन में चैनल है मेरा, उसमें वीडियोस डाली मैंने नई नई, अभी इसमें नई वीडियो डाली मैंने, भागा अपनी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हम सुपर बाइक लेके गए थे उसकी वीडियो डाली है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लिंक उसका। मजाक कर रहे हैं यार ये? नहीं यार देखो यार, चैनल देखो जाके सब्सक्राइब करो मत करो, दैट्स अप टू यू, पर चैनल चेक आउट जरूर करो। जैसे मैं बता रहा हूं इस बार आपकी बाइक का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, ठीक है? तो क्या कहते हो आप, पहले एक सिनेमैटिक दिखाएंगे? हां बिल्कुल, सिनेमैटिक दिखाओ, पहले बाइक को दिखाओ फिर उसका ओनरशिप रिव्यू दिखाएंगे आपको। चलो शुरू करते हैं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भी कर दो। सिनेमैटिक शॉट तो दिखा दिया है, अब बात आती है आपका राइडिंग एक्सपीरियंस इसको लेके कैसे, मतलब आपने एप्रिलिया भी चलाई है, अगर बात करें जाए कंपैरिजन करें जाए एप्रिलिया एंड ZX 10R का तो बताओ। तो अगर कंपैरिजन करें दोनों बाइक बहुत डिफरेंट हैं, ये इनलाइन फोर है और वो V4 है, तो उसका इनिशियल जो है वो इस बाइक से बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी अलग है चलाने में वो बाइक से। पर अगर टॉप एंड की बात करें तो ZX 10R का टॉप एंड एप्रिलिया से फार बेटर है। दोनों की एग्जॉस्ट की नोट अलग है, दोनों का साउंड अलग है। अगर आपको अप्रिलिया की वीडियोस भी देखनी हो तो मेरे चैनल पे वो तो बता रखा है, लिंक है भी है, उसमें आप दोनों बाइक को खुद भी कंपेयर कर सकते हो। बट वैसे अगर बोला जाए कि राइडिंग पोस्चर जो कहते हैं, जैसे इसका तो एग्रेसिव है सब जानते हैं, अब एप्रिलिया से कंपेयर करते हैं राइडिंग पोस्चर किसका अच्छा था? जो एप्रिलिया का टैंक है वो थोड़ा सा यहाँ से अपलिफ्टेड है, तो उसका पोस्चर एज कम्पेयर टू ZX 10R थोड़ा कम एग्रेसिव है, इसका पोस्चर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है एप्रिलिया RS V4 से। अब एक टिपिकल इंडियन वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, सर्विस कितना पैसा लगने वाला होगा? ऑन एन एवरेज अगर सर्विस की बेसिक सर्विस की बात करें जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज होना है, क्योंकि मैंने इसमें एयर फिल्टर लगवा रखा है जिसकी लाइफ टाइम वारंटी है, ठीक है, जस्ट वॉश हो जाता है वापस यूज हो जाता है, तो एयर फिल्टर का कॉस्टिंग नहीं होती, तो जनरली इसमें 3-3.5 लीटर ऑयल लगता है और ऑयल फिल्टर चेंज होता है, लेबर सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। अब एक क्वेश्चन और, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा कि एयर फिल्टर कौन सा डाला हुआ है वो भी आप बता दो। DNA का रेस एयर फिल्टर डाला हुआ है। कितना पैसा लगा था उस पे आपका? 6500 रेस फिल्टर का था। अब बात करते हैं इस पे पेट्रोल की, जैसे लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता कि सुपर बाइक में पेट्रोल कैसे डलता है, वो पावर डलवा लेते हैं कभी कभी नॉर्मल डलवा लेते हैं, बट की जबकि बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। कभी भी पेट्रोल मिक्स नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे नहीं कभी नॉर्मल डलवा लिया, कभी प्रीमियम डलवाया, कभी ऑक्टेन 97 डलवाया। इन बाइक्स के लिए जो इनलाइन फोर बाइक्स हैं उनमें सिर्फ पावर ऑयल या HP पे है तो पावर, और अगर इंडियन ऑयल पे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डलवाना चाहिए। 97 ऑक्टेन का क्या सीन रहता है? 97 ऑक्टेन जैसे बाइक्स हो गए डुकैटी, आर्बन, अप्रिलिया, इन बाइक्स में प्रेफर्ड होता है कि आप 97 ऑक्टेन डलवाओ। ZX 10R, हायाबुसा, निंजा 14R में प्रीमियम ऑयल इज परफेक्ट, प्रीमियम ऑयल वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइस ये सबसे बड़ी एक क्वेश्चन होता है मेजर बंदों का कि कहते हैं 97 ऑक्टेन ही डलता है सुपर बाइक्स में। नहीं नहीं, एक तो ये है इशू कि 97 ऑक्टेन दिल्ली में सिर्फ 4 लोकेशन, बहुत जगह नहीं है, सिर्फ 4 जगह अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि बार बार जाके 97 डलवाए फिर वापस आए, और बार बार फ्यूल मिक्स भी नहीं करना चाहिए। आपने 97 का हाफ टैंक है और उसके ऊपर आपने प्रीमियम या
दूसरा कोई फ्यूल अपलोड कर वो गलत हो जाएगा सीन। अब बात करीजिए टॉप स्पीड्स की, मतलब फर्स्ट गियर से लेकर सिक्स गियर तक कितना क्या क्या रह जाता है। फर्स्ट गियर पे बताया जाओ, फर्स्ट गियर की मेरी वीडियो है मेरे चैनल का, वो देख सकते हैं। फर्स्ट आई आइकन पे दे दूंगा मैं। ZX10R की टॉप स्पीड फर्स्ट गियर में जो मैंने क्लॉक की है दैट इज 177 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड मैक्सिमम आपने अभी तक किस में? फिफ्थ गियर पे 299 चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर कमांड। ठीक है, अदरवाइज मीटर 299 पे रुक जाता है और सिक्स्थ गियर में 299 के ऊपर चली जाती है। अपना एक डिस्क्लेमर दे दो प्लीज। और कभी भी किसी भी बाइक पे आप विदाउट राइडिंग गियर्स या फिर सिटी में कभी भी किसी बाइक की टॉप स्पीड मेजर मत करना, हमेशा सारे राइडिंग गियर्स पहनना और यमुना एक्सप्रेस वे या किसी ऐसे एक्सप्रेस वे पे ट्राई करना, कोशिश करो, ट्राई ना करो। ये तो सिर्फ वीडियो के लिए होती है हमारी, ये तो सिर्फ वीडियो के लिए है, वरना तो आप बहुत सेफ और बहुत साउंड चलाते हैं बाइक। बस ऐसा कुछ नहीं है कि हम भाई हर वक्त 299 खींच रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रेयर है। वो सिर्फ ऑन कैमरा वाली मेजरली बोले तो उसके बाद वापस नीचे आ जाते। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ZX10R का सुना है कि अगर आप व्हीली मारते हो तो 3-4 हज़ार किलोमीटर पे टायर हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, व्हीली का ये कंसेप्ट है कि जब आप थ्रॉटल व्हीली करते हो तो पीछे का जो व्हील है वो काफी ज्यादा तेजी से स्पिन करता है, तो उससे क्या होता है इन बाइक्स की मोस्टली टायर जो सॉफ्ट कंपाउंड होता है इनकी जनरली लाइफ भी 6-7 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। नहीं है, तो अगर आप ज़्यादा थ्रॉटल देते हो, ज़्यादा तेज एक्सेलरेट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी 1.5-2 हज़ार लाइफ कम हो जाती है। अब आपने अभी तक करवाया टायर इसका? नहीं करवाया चेंज? अभी तक मैंने इसका टायर चेंज नहीं करवाया, इसमें ब्रिजस्टोन के टायर चले हुए हैं। ठीक है, सही है, मतलब काफी वो है। और आपने जो एग्जॉस्ट इससे पहले कौन सा लगवाया होता है? इससे पहले रेस फिट का एग्जॉस्ट था, मतलब वो तो काफी लाउड है, सच बताऊं इतना लाउड है कि मेरे हेलमेट में सेना लगा हुआ है कि मैं कॉल पे भी बहुत मुश्किल से बात कर पाता हूँ, हाई आरपीएम पे बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। और आजकल डेली गुड़गांव में इशू चल रहा है बहुत ज्यादा, वो एक सिर्फ बाइक राइडिंग ग्रुप ने जो कांड कर दिया ना, क्यों जो प्रॉब्लम करा उस वजह से डेली गुड़गांव में इतना इशू हो गया। बस मैं ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेगा, इसीलिए मैंने इसे वापस एरो का एग्जॉस्ट लगाया। रेस फिट उतार के कि थोड़ा साउंड का इशू चल रहा था, उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्रमोशन ऑन पॉइंट, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे, प्रमोशन ऑन पॉइंट, ZX10R डेविल एडिशन की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से बाइकर्स है, बहुत से राइडर्स है जो ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं राइड करने के लिए, तो अगर वो आरपीएम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ आप बताना चाहोगे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग? हमारा जो पैन इंडिया ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको किसी इंडिविजुअल से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारी वेबसाइट पर जाओ, जो भी आप सिटी में आप रहते हो उस सिटी को ढूंढो, वहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालो, अपना लाइसेंस नंबर, बाइक नंबर, सीसी और अपना मोबाइल नंबर, फिर उस पर OTP जाएगा और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिलीवर हो जाओगे, आप कनेक्ट हो जाओगे उस चैप्टर से हमारे ग्रुप पे। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि कोई फालतू का झंझट नहीं कि हाँ एक एडमिन है तो दूसरे एडमिन से बात करो, कोई नहीं, हमारी वेबसाइट है उस पर सारे चैप्टर्स का लॉगिन। एक काम करूंगा, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिनको ज्वाइन करने बाइक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो चैप्टर्स है वो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20+ सिटीज में ऑलरेडी एक्टिव हैं, और हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि सीसी का कोई क्लास नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज करी आपने, आप 100cc से 2000cc की बाइक भी है तो हमारे ग्रुप में हमारे साथ राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस दैट्स ऑल, आपने पूरा शायद मुझे लगता है कवर कर ही लिया हमने, या कुछ रह गया तो आप खुद ही बता दो। हाँ एक चीज रहती है, अभी तक कुछ अगर डैमेज वगैरह आपका हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी डैमेज कुछ नहीं हुआ। अच्छा है, नहीं हुआ, जैसे कि आपसे बात हो रही थी कितना मोटा माटी खर्चा आ जाता है अगर डैमेज की बात करें, कॉस्मेटिक डैमेज की, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि बाइक 18 लाख रुपीज ऑन रोड है, बट ऑब्वियसली काफी ज्यादा कॉस्टली है। उसकी फेयरिंग इंडिविजुअल अगर पार्ट्स देखें तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बेसिकली अगर इसकी ये पार्ट भी देखें तो ये 1.5 लाख प्लस है, 1.5 लाख प्लस, इसीलिए RNC का प्रोडक्ट लगाते हैं ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में जितना सेफ हो सके बाइक सेफ हो, बेटर जितना सेफ है उतना अच्छा। तो यहीं से एंड करते हैं इस वीडियो को, मुझे लगता है कि सारी चीजें कवर हो गई होंगी, अगर कुछ चीज रह गई होगी नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आओ रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई जरूर होगा। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, जाते जाते बढ़िया सा लाइक, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको वो वीडियो, आप भी भाई के चैनल को चेकआउट जरूर करो, हम नहीं बोलते सब्सक्राइब करो,
भाई के टेनर के ऊपर ही डाली हुई है, कुछ नहीं उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एप्रिलिया टेनर वरना ड्रैग रेसिंग चल रही है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक टाटा बाय, एंजॉय, बी सेफ फ्रॉम कोविड-19 एंड एंजॉय। Rock city bitch, rock city, rock city bitch, rock city bitch, rock city.